नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर गहलोत सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है, जिसके तहत वल्लभ नगर में सैटेलाइट हॉस्पिटल व इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर व मिठाई बांटकर अशोक गहलोत सरकार व प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वल्लभ नगर सरपंच राजकुमार गुर्जर, गोटूलाल चोरडिया, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कुंदन सिंह कच्छेर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी नाथ द्वारा पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने नगर के हालात व राजनीतिक घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि धर्म नगरी है, जहां देश विदेश से दर्शनार्थी आते हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन के बारे में भी बात की। वहीं स्थानीय प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाए। दर्शनों के बाद दिया कुमारी का भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता ने भी जगह जगह स्वागत किया। मैंने देखी अभी रोड की जो हालत हो रही है, तो मैं आज दर्शन श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आई थी कुछ 2 महीने बाद। और जब मैं आई तो मैंने देखा रोड की हालत इतनी ख़राब है, पूरी तरह से रोड टूटी हुई है। उन्होंने खोद दी है रोड को, पूरी ही रोड को। और नॉर्मली क्या होता है कि काम फेजेस में होना चाहिए, और जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता है, आप उसको सड़क को बनाना भी शुरू करें। जो आपका अंडरग्राउंड पाइप जो चल रहा है, जो भी आपकी जो लाइंस का काम चल रहा है, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से रोड को खोद दिया है। इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर, जितने भी दर्शन करने यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। ऊपर से कोरोना का कहर है, उसमें भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पर लापरवाही लापरवाही है। जनप्रतिनिधि चाहे MP हो चाहे पार्षद, अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको कोई जानकारी नहीं मिलती है। वो कुछ करता है, शिकायत करता है, अपनी बात रखता है, उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया जाता है, और अपनी मनमानी कर रही है कांग्रेस। बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर स्थित केवड़ा नाल में लगी भीषण आग विकराल रूप लेती नजर आ रही है। केवड़ा नाल के तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया में ये आग फैल गई है और आगे से आगे बढ़ रही है। केवड़ा क्षेत्र के फायर रेंज से लेकर इको टूरिज्म केंद्र तक भीषण आग फैल चुकी है, जिससे भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। हरे व मासूम पौधे जलकर खाक हो गए हैं। वन विभाग द्वारा आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हवा के तेज बहाव से आग आगे से आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल 50 हेक्टेयर पर आग पर कुछ काबू पाया गया है, लेकिन ये आग विकराल रूप लेती नजर आ रही है। SC ST OBC अधिकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने राजस्थान सरकार का ज्ञापन सौंप कर धन्यवाद किया। आपको बता दें, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के पति डॉक्टर घनश्याम बेरवा को IAS में नियुक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। कर्मचारी महासंघ के जिला महासचिव राजकुमार मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया। जिला अध्यक्ष नवल चावण ने बताया कि डॉक्टर घनश्याम बेरवा अनुसूचित जाति वर्ग के ईमानदार अधिकारी है, साथ ही उनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर बधाई भी दी। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र के गुडली गांव में अचानक आग लगने से बाड़े में बंधे मवेशी जिंदा जलकर राख हो गए। आग से करीब 10 ट्रैक्टर चारा, वहां रखी लकड़ियां व अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना फैलते ही ग्रामीण आग बुझाने में लग गए। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।